हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग सभी जानते हो, चंडीगढ़ में जेबीटी की यानी कि प्राइमरी टीचर्स की लगभग 300 जॉब्स 293 पोस्टें जो है वो निकल चुकी है। इस वीडियो के अंदर मैं पूरा नोटिफिकेशन आप सबके साथ स्टडी करूंगा कि आप फॉर्म कब तक भर सकते हो, क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेबस आप लोगों का क्या रहेगा, प्लस आप सावल क्लासेस के साथ जुड़कर इस पोस्ट के लिए घर बैठे ऑनलाइन बैच ज्वाइन करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन कोचिंग का प्रोसेस और डिटेल नोटिफिकेशन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये रहा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके सामने। तो 30 जून को यह नोटिफिकेशन जारी हुआ था, 1 जुलाई को हमें देखने को मिला। इस नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है कि 20 जुलाई 2023 से लेकर 14 अगस्त 2023 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, 17 अगस्त तक आप लोग अपनी फीस सबमिट कर सकते हो। पूरी इसकी यही सेम ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग इस वेबसाइट से www.chdeducation यानी कि chandigarheducation.gov.in पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो। यहां हम लोग इन पोस्टों का ब्रेकअप देख लेते हैं। टोटल जेबीटी की 293 जॉब्स हैं, जिनमें 149 जनरल कैटेगरी की, 55 पोस्टें ओबीसी कैटेगरी की, 59 एससी कैटेगरी की, 29 इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की, और एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी, ये सारी आप लोग अलग अलग ये देख सकते हो। 293 कुल टोटल जो है इसमें जॉब्स हमें देखने को मिल रही है। स्टूडेंट्स, यहां अब मैं क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूं कि क्या क्वालिफिकेशन ये फॉर्म भरने के लिए आपको चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पे इन्होंने लिखा है कि आपके पास ग्रेजुएट हो या इसके इक्विवेलेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ाई होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यानी कि ग्रेजुएशन चाहिए। दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि ETT जैसे हम लोग पंजाब में बोल देते हैं, वो आपको चाहिए कम से कम 2 साल की, जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो NCTE के द्वारा। अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो आप ग्रेजुएशन 50% मार्क्स और बीएड अगर आपने की है तो भी आप लोग इन पोस्टों के अंदर एलिजिबल हो स्टूडेंट्स। और यहां आपके पास CTET भी NCT की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। यानी कि बीएड वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और ETT वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर बीएड वाले अप्लाई करते हैं तो सिलेक्शन के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स उनको करवाया जाएगा ताकि वो एलिमेंट्री लेवल के ऊपर बच्चों को पढ़ाने के एलिजिबल हो सके, ठीक है जी। आप सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने बताया है कि आपका 150 मिनट का, 150 क्वेश्चन का, 150 नंबर का एक एग्जाम होगा। मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। मिनिमम 40% नंबर आपको लेने जरूरी है और कोई इंटरव्यू इसके बाद आप लोगों का नहीं होगा। तो कुल टोटल 11 सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में लिखे हैं। पहला जर्नल अवेयरनेस, ये मैं खुद आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं इस पेपर में, तो ये दीपक सर टीच करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड मेरा सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस मेरा सब्जेक्ट है, जर्नल साइंस और सोशल साइंस के कुछ सेक्शन में आपको टीच करूंगा। रीजनिंग का सब्जेक्ट उससे अगला आप लोग देख सकते हो, ये इंदु मैडम पढ़ाने जा रहे हैं। अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी और मैथमेटिक्स, ये साहिल सर के सब्जेक्ट है। टीचिंग एप्टीट्यूड मेरे पास रहेगा। इंग्लिश का सब्जेक्ट ईशा मैडम, पंजाबी का सब्जेक्ट बेदी सर, हिंदी का सब्जेक्ट आप लोगों का प्रियंका मैडम। इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि अलग अलग टीचर्स ये सारा सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट करेंगे। यहां इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल 10th स्टैंडर्ड तक का होगा, कम से कम मार्क्स 40% आप लोगों को चाहिए ये पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, और नेगेटिव मार्किंग होएगी स्टूडेंट्स। जैसे पंजाब टेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पंजाब के मास्टर कैडर ETT कैडर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पर इस जेबीटी की पोस्ट में 0.25 यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग के मार्क्स जो है वो कटेंगे। पेपर आप लोग इंग्लिश और हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश और पंजाबी में भी दे सकते हो। ये जब आप लोग अपना फॉर्म सबमिट करो तो उस वक्त अपना ऑप्शन आप लोग पंजाबी टिक कर देना,
अगर आप पंजाबी मीडियम में पेपर देना चाहते हो या हिंदी टिक कर देना अगर आप हिंदी मीडियम में पेपर देना चाहते हो। यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने लिखा है कि सबसे पहले आप अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करो, अपनी फीस सबमिट करो क्लोजिंग डेट से पहले पहले, बाद में एडमिट कार्ड आएगा, रिटर्न टेस्ट देने के लिए चले जाना, रिटर्न टेस्ट होने के बाद आंसर की आएगी, कोई ऑब्जेक्शन हो तो ऑब्जेक्शन सबमिट कर देना, ऑब्जेक्शन के बाद आपका फाइनल रिजल्ट वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाएगा और इस तरह से फिर काउंसलिंग पे बुलाया जाएगा। डेढ़ गुना ज्यादा बच्चे वहां पर आएंगे और उम्र 21 साल से 37 साल रिजर्व कैटेगरियों को जो छूट होती है उसके अकॉर्डिंग। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस की। इस सेम नोटिफिकेशन को आप chdeducation.gov.in वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। स्टूडेंट्स, सावल क्लासेस अपनी ऑनलाइन कोचिंग जेबीटी की इन 293 पोस्टों के लिए हम शुरू करने जा रहे हैं 10 जुलाई यानी कि सोमवार से। हर रोज आपके 6 लेक्चर अलग अलग सब्जेक्ट्स के 45-45 मिनट के थ्योरी में लगेंगे, तो मान के चलो कि लगभग 4 घंटे आपकी रोज कोचिंग होगी। सभी के सभी लेक्चर्स आपके 100% लाइव लगेंगे। लाइव लेक्चर्स के अंदर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। अगर लाइव ना देख पाओ तो लेक्चर्स आपके रिकॉर्ड होंगे जिनको बाद में जितनी मर्जी बार आप लोग देख सकते हो, और इस कोर्स की वैलिडिटी आपकी जब तक पेपर नहीं होता तब तक रहेगी। स्टूडेंट, सावल क्लासेस अपने पेड ग्रुप्स के अंदर पूरा सिलेबस थ्योरी में कवर करता है। टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू हम लोग करवाएंगे, प्लस उनके पीडीएफ मिलेंगे आप लोगों को, और आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे। ये कुछ मेन फैकल्टीज जिनको आप देख रहे हो जो आपको इस बैच में पढ़ाने जा रहे हैं। मेरा नाम दीपक सर है, मैं साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सब्जेक्ट्स आपको मैं टीच करूंगा। मेरे साथ मेरे ब्रदर साहिल सर जो कि मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री आपको टीच करेंगे, इंदु मैडम एनवायरमेंट साइंस और रीजनिंग का सब्जेक्ट, इंग्लिश का सब्जेक्ट आपको ईशा मैडम, और सुमन मैडम आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पंजाब जो है अपने इससे रिलेटेड, जो आपके सोशल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है ये टीच करेंगे। बेदी सर आप लोगों को पंजाबी लैंग्वेज का सब्जेक्ट टीच करेंगे, और इनसे अलग 2 फैकल्टीज आपके और होंगे। स्टूडेंट्स, इस पूरे बैच की फीस सब मिलाकर आपकी 7000 है, जिसमें पूरा सिलेबस आप लोगों का थ्योरी में कवर होगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, पुराने पेपर सॉल्व करेंगे, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आप लोगों के कंडक्ट करवाए जाएंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आज ही आप लोग इन नंबरों पे कॉल करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये ऊपर वाला नंबर मेरा है, नीचे वाला साहिल सर का है, किसी भी नंबर पे आप कॉल करके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इससे अलग स्टूडेंट, सावल क्लासेस ने एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जहां इन्हीं जेबीटी की पोस्टों के रिगार्डिंग हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। आप लोगों ने अपना नाम लिखना है, जेबीटी जॉब्स लिखकर इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, हम लोग आपको ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। इन पोस्टों को लेकर अगर आपका कोई डाउट हो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए 10 तारीख तक आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन को करा सकते हो, 10 तारीख से आपके बैचेस हम लोग शुरू करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड लक, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। बाय।